मिशन चंद्रयान के बाद अब भारत की नजरें सूर्य पर। जी हां, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की कुछ देर में ऑर्बिट बढ़ाई जाएगी और इसरो के वैज्ञानिक ऑर्बिट बढ़ाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के इंजन कुछ देर के लिए फायर करेंगे। अभी आदित्य 19,500 किलोमीटर की कक्षा में है, तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की कुछ देर में ऑर्बिट को बढ़ा दिया जाएगा। इसरो के वैज्ञानिक ऑर्बिट बढ़ाने के लिए स्पेसक्राफ्ट के इंजन कुछ देर के लिए फायर भी करेंगे और उसके बाद ये अपनी नेक्स्ट कक्षा में पहुंच जाएगा। इसरो का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 अपने सफर पर रवाना हो चुका है। इसरो ने सोलर मिशन आदित्य L1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया। सोलर मिशन आदित्य L1 का तीसरा चरण कामयाब हो गया है। करीब 15 लाख किलोमीटर की यात्रा कर रहे ये L1 पॉइंट तक पहुंचेगा और सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाएगा। इसरो की सबसे ऊंची उड़ान, सूरज को समझने चला आदित्य L1। 15 लाख किलोमीटर के लंबे सफर पर आदित्य L1 एक बार फिर इसरो वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिखाया है। सही तारीख और तय वक्त पर वैज्ञानिकों ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से मिशन सूर्य यानी मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इस पल का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही घड़ी में 11:50 का वक्त हुआ, इसरो स्पेस सेंटर से इस मिशन को लॉन्च कर दिया गया और जैसे ही आदित्य L1 ने धरती से सूरज की तरफ उड़ान भरनी शुरू की, इसरो सेंटर में मौजूद वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा इसरो सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कांग्रेचुलेशंस, द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट हैज बीन इंजेक्टेड इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ 235/19,500 किलोमीटर व्हिच इज इंटेंडेड वेरी प्रिसाइसली बाय द PSLV, वेरी यूनिक मिशन मोड हियर। वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए काफी मेहनत की थी, कई बार इस मिशन को लेकर रिहर्सल भी किया गया और फिर पूरी तसल्ली और हर छोटी मोटी दिक्कतों को दूर करने के बाद ही इस मिशन को फाइनल किया गया था और इसकी लॉन्चिंग के साथ ही एक बार फिर से पूरी दुनिया की निगाहें अब भारत और इसरो पर टिकी हुई। फर्स्ट स्टेज इंजन स्टार्टेड फॉर बैंड 2। आदित्य L1 सूरज की तरफ जाने वाला इसरो का पहला मिशन है, लिहाजा इसकी लॉन्चिंग के साथ ही बधाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को मिशन की सफलता के लिए बधाई दी। आदित्य L1 सैटेलाइट सेपरेटेड, और जिसका इंतजार था वह पल आ चुका है, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आदित्य L1 मिशन अकम्प्लिश। सबसे पहले तो मैं अभी अभी मिशन आदित्य लॉन्च हो चुका है, इसलिए सभी को इसरो की सबसे ऊंची उड़ान को देखने के लिए इसरो स्पेस सेंटर में वैज्ञानिकों के साथ केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे, तो सैकड़ों की तादाद में वहां जमा लोग भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। इन लोगों में कई स्कूली बच्चे भी शामिल थे जो इस मिशन को लेकर बेहद उत्साहित दिखे। कांग्रेचुलेशंस इसरो, and while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen. लॉन्चिंग से पहले इसरो स्पेस सेंटर से हर गतिविधि पर बारीक नजर रखी जा रही थी। वैज्ञानिक हर पल डेटा कैलकुलेशन में जुटे थे और जैसे ही सही वक्त आया, आदित्य L1 को सूरज की तरफ रवाना कर दिया गया। ये इसरो की सबसे ऊंची उड़ान है। आदित्य L1 को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में 4 महीने का वक्त लगेगा।
जिसके बाद इसमें लगे पेलोड्स L1 पॉइंट से सूरज का अध्ययन करेंगे और फिर धीरे धीरे सूरज के उन रहस्यों से भी पर्दा उठना शुरू हो जाएगा जो अब तक हमारे लिए अबूझ पहेली बनी हुई है। इसरो वैज्ञानिकों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत स्पेस का सुपर पावर बन चुका है। 50 दिन के अंदर 2 मिशन को लॉन्च कर इसरो के वैज्ञानिकों ने ये साबित कर दिया है कि उनकी काबिलियत किसी से कम नहीं है। वो बड़े से बड़े मिशन को अपनी मेहनत से पूरा करने का मादा रखते हैं।